अस्सलाम वालेकुम गाइस, सैमसंग के सबसे तरीन ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन मुतारफ करा दिए गए हैं। जानिए इनमें क्या कुछ है और क्या कुछ फीचर्स में दिए गए हैं। ड्यूल कैमरा तो मैं आपको बता चुका हूं कि ड्यूल कैमरा इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है इतने लो बजट के अंदर। जो गाइस चैनल पर नए हैं, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। गाइस सैमसंग ने पहली बार आईफोन एक्स जैसे नोच से लैस अपने सस्ते तरीन ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन्स गैलेक्सी M10 और गैलेक्सी M20 मुतारफ करा दिए हैं। एम सीरीज के ये अवलिन दो फोन्स सबसे पहले भारत में मुतारफ कराए गए, जो कि दीगर ममालक में कुछ हफ्तों में दस्तयाब होंगे। ये सैमसंग के इन्फिनिटी वी नोट से लैस अवलीन फोन्स हैं जिनके बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। गैलेक्सी M10 में 6.2 इंच डिस्प्ले HD+ रेवोल्यूशन दिया गया है, जिसमें से सैमसंग का अपना XUS 7870 प्रोसेसर मौजूद है। 2 से 3 GB रैम और 16 से 32 GB स्टोरेज ऑप्शन वाले इस फोन में SD कार्ड से स्टोरेज 512 GB तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि 3400 mAh बैटरी और माइक्रो USB पोर्ट भी दी गई है। इसके बैक पर 13 और 5 MP कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि कैमरा मेगापिक्सल सेंसर में F1.9 ऑपरेटर मौजूद है। फ्रंट पर 5 MP सेल्फी कैमरा है। गैलेक्सी M20 डिस्प्ले के लिहाज से ज्यादा बड़ा फोन है, जिसमें 6.3 इंच इन्फिनिटी वी डिस्प्ले फुल HD+ रेवोल्यूशन के साथ है। इसमें सैमसंग का नया XUS 7904 ओक्टा कोर प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी, USB टॉप सी पोर्ट और 15 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। ये फोन 3 और 4 GB रैम और 32 से 64 GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ है, जिसमें SD कार्ड से 512 GB तक इजाफा किया जा सकता है। इसके बैक पर भी M10 की तरह 13 और 5 MP कैमरा F1.9 ऑपरेटर के साथ है, मगर फ्रंट पर 8 MP कैमरा दिया गया है। फोन की एक और खास बात भी है, इस फोन के फ्रंट और बैक कैमरे पोर्ट्रेट मोड से भी लैस हैं। और हाँ, इन दोनों फोन्स में एंड्रॉइड ओरियो 8.1 का इम्तियाज सैमसंग ने अपने तजारती ऑपरेटिंग सिस्टम UI 9.5 से किया है। सैमसंग ने M10 के 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 7,990 भारतीय रुपए, जबकि पाकिस्तानी 15,000 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा बनते हैं, जबकि 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला मॉडल 8,990 भारतीय रुपए, 17,500 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा रखी गई है। M20 के 3 GB रैम 32 GB वर्जन 10,990 भारतीय रुपए, 21,000 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा, जबकि 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला मॉडल 12,990 भारतीय रुपए, 25,000 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा रखी गई है। ये दोनों फोन्स 5 फरवरी से भारत में सार्फिन को दस्तयाब होंगे। दीगर ममालक में मुतारफ कराने की तारीख का फिलहाल कंपनी ने कोई ऐलान नहीं किया। सो गाइस, ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज जो मैंने आपके साथ अपडेट कर दी है। मजीद इसी तरह की अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।